क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण। तो इस वीडियो में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगा इंग्लिश और हिंदी में, और क्वाड्रेटिक फार्मूला डेरिवेशन यहां करके दिखाऊंगा। तो एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर a not is equal to 0 is a quadratic equation where x is a variable and highest power of x is 2 and a b c are real numbers constants. To koi bhi samikaran px is equal to ax square plus bx plus c is equal to 0 ki tarah ka wahan a 0 na ho द्विघात समीकरण कहलाता है, जहां x एक चर संख्या है जिसकी अधिकतम घात 2 है तथा abc अचर वास्तविक संख्या है। तो देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है px is equal to ax square plus bx plus c is equal to 0। तो जनरल फॉर्मेट समझ सकते हैं इसको द्विघात समीकरण का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और यहां पे खास बात क्या है, देखिए यहां दिया है a नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए अगर जीरो हो गया तो ए एक्स स्क्वायर पूरा जीरो हो जाएगा और बचेगा बी एक्स प्लस सी, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और यहां पे ए बी और सी ये कॉन्स्टेंट्स हैं और एक्स जो है ये वेरिएबल है। तो अब बात आती है डेरिवेशन की, कि वो फार्मूला जिससे हम एक्स की वैल्यू निकाल सकें वो अब ड्राइव करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हिंदी में भी समझ लीजिए, यहाँ पे एक्स जो है ये चर संख्या है, यानी वो संख्या जिसका मान बदलता रहता है, और ए बी सी जो हैं ये अचर हैं, यानी इनका मान नहीं बदलेगा, ये कॉन्स्टेंट होंगे और ये वास्तविक संख्याएं होंगी। तो डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व एक्स, तो एक्स का मान ज्ञात करने का सूत्र निकालने की विधि यहां पे मैंने समझाई है। तो पहले सबसे क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड फार्मूला अभी मैंने बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस पूरे को ए से डिवाइड कर दीजिए। तो राइट हैंड साइड में भी डिवाइड करेंगे, लेफ्ट में भी डिवाइड करेंगे, और जीरो अपान ए जीरो ही रहेगा, लेकिन इधर रिड्यूस होके यहाँ ए से कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ बी अपान ए एक्स और यहाँ सी अपान ए। तो अब देखिए पूर्ण वर्ग विधि, यानी मेकिंग स्क्वायर्स वाला जो मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स जिसको हम बोलते हैं, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या करते हैं, जो वैल्यूज दी हुई हैं इसी से हम होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर देते हैं कुछ अपनी तरफ से जोड़ घटा के। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स है, तो इन दो टर्म को गौर से देखिए, तो सेकेंड टर्म जैसे नॉर्मल अगर मान लीजिए एक्स प्लस ए होल स्क्वायर है तो वहाँ एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर होगा, तो यानी टू ए एक्स की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे b अपॉन a जो है इसको हम b अपॉन 2a कर देंगे, यानी यहाँ अंदर 2 से डिवाइड कर दिया, बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये चेंज होके b अपॉन a ही रहेगा। तो b अपॉन a इंटू एक्स की जगह हमने ये कर दिया। अब यहाँ पे ये इसलिए किया कि ये 2ax की फॉर्म में चूंकि आ गया, तो यहाँ पे ये दूसरा टर्म, तो होल स्क्वायर बनाने के लिए इस टर्म का यानी b अपॉन 2a का होल स्क्वायर भी होना चाहिए, तभी ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। तो इस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर जो है यहाँ पे अपनी तरफ से हमने ऐड कर दिया और इसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, c अपॉन a जो है वो एज इट इज रहा। अब इस पूरे की जगह यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, इसकी जगह अब हम रख सकते हैं x प्लस बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड टर्म हमने ये ड्राइव किया है b अपॉन टू ए, तो इन दोनों का ये होल स्क्वायर हो गया। और इन बाकी दो टर्म्स को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे,
तो ये बी अपान टू ए का होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो बन जाएगा बी स्क्वायर अपान फोर ए स्क्वायर। तो इसको हम दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये निगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था यहाँ के निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि किसी भी वैल्यू को जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में इज इक्वल टू के लेके जाएंगे तो साइन हमेशा चेंज हो जाती है। अब इनका हमने एलसीएम ले लिया, तो फोर ए स्क्वायर है इधर ए है, तो इसका एलसीएम भी फोर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, जब फोर ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करेंगे तो फोर ए आएगा, फोर ए से सी को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, तो दोनों तरफ जब अंडर रूट लेंगे तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो यहाँ पे हमने बाहर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्क्वायर में अगर नेगेटिव का स्क्वायर हो तब भी पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव आता ही है, तो दोनों पॉसिबिलिटी रहती हैं। तो जब हम रूट निकालते हैं तो दोनों साइन रहते हैं, प्लस भी और माइनस भी। अब नीचे फोर स्क्वायर जो है इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो टू ए आ जाएगा, तो ये इक्वल हो गया एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब इधर भी टू ए इधर भी टू ए, तो टू ए हमने एलसीएम ले लिया तो ये रिड्यूस होके आ गया एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इससे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाली जा सकती है। अब एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, या और कोई वैल्यू हो सकती है, मेथड हमारा यही है।